अजमेर में सनसनीखेज वारदात। शादी के 26 दिन बाद पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी को मारकर बोरी में डालकर ले जाते हुए मोहल्ले वालों ने देखा। लाश को ठिकाने लगाने के बाद पुनः लौटने पर पुलिस ने धर दबोचा। 27 दिन पूर्व ही दोनों ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। लड़का मुकेश 34 वर्षीय एवं जेनिफर 32 वर्षीय क्रिश्चियनगंज थाना अंतर्गत मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के आला अधिकारी ने मामले की जानकारी देने से किया फिलहाल इनकार। घटना हुई साहब, मेरे को एक सूचना मिली, यहाँ से किसी वार्डवासी ने दी भी, यहाँ एक मर्डर हो गया। मैं यहाँ का वार्ड 79 का पार्षद हूँ, तो मैं तुरंत क्रिश्चियनगंज थाने गया। जितना भी थाना था वो तुरंत हरकत में आ गया और मेरे साथ ही मेरी ही गाड़ी में बैठ के तुरंत मौका स्थल पे पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और ये जो मुलजिम है, इसकी 10 दिन पहले यहाँ ये पास ही मंदिर है, झूलेलाल मंदिर, इसमें शादी हुई थी। और झूलेलाल मंदिर में शादी हुई थी, लड़की क्रिश्चियन है और लड़का सिंधी कम्युनिटी से है। और पता नहीं इनका कल क्या हुआ, आस पड़ोस तो बता रहे हैं अभी कल झगड़ा हुआ है। तो इन्होंने एक जने ने कल आज सुबह क्या देखा, भी एक वो बोरा खींच के लाश को बोरे में एक्टिवा पे रख के लेके जा रहा है। तो मेरे को सूचना दी, मैं तुरंत आया हरकत में, मैं सीधा थाने गया। थाने से तुरंत पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई, तो उन्होंने उसका फोन ट्रैप किया, वो आदमी को वहाँ बस स्टैंड के ऊपर। नाम है लड़के का? मुकेश। लड़की का नाम नहीं, जैनी। तो यहीं मिली क्या? यहीं रहते थे अभी। अब फिर अभी वो वहाँ पे है, क्या नाम है, नहीं नहीं ये होटल मान सिंह के सामने वो बच्चा वहाँ रेस्ट है, वहाँ पे ही है। तो बच्चे से भी मेरे सामने पूछा गया तो वो ये बोल रहा था, लाश बूढ़ा पुष्कर में पटक के आया हूँ, जो भी हथियार वगैरह जो भी है, उस आदमी को कोई मिला ही नहीं लग रहा। पता नहीं इनकी आपस की क्या कहानी है। तो वो उसने कमिट किया है, इन्होंने दी थी मेरे को। इन्होंने, मेरी बेटी ने फोन किया था कि भाई ऐसी सी बात हो गई है, और इन्होंने भी मेरे को फोन किया था कि देखो बोरी में जाके भाई लेके जा रहे हैं। और सुबह इनकी लड़ाई हुई थी, पहले तो बोला कि बचाओ बचाओ, तो हमने पूछा कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कुंडा बंद कर दिया। और फिर हमने बोला क्या बात है, झगड़े की बात, हाँ, तो अचानक ही कुंडा बंद कर दिया। हम अपने अपने घर चले गए। फिर आधे घंटे में तो फिर मेरे को इन्होंने फोन किया कि भाई बोरी में डाल के लेके जा रहे हैं। और फिर मैंने भी, हमारा भी माल आया था, मैं वहाँ टेम्पू आया था, बोरी में डालकर जब लेके जा रहे थे तब अंदाजा लगा लिया आपने? क्योंकि उन्होंने बॉडी को देख लिया था, बॉडी गिर गई थी नीचे। अच्छा। और बाल ऐसे खुले आ गए थे, तो उन्होंने बॉडी को देख लिया था। फिर हम भी जल्दी निकल, इतने में तो लड़का चला गया, और हम लेडीज थे, कैसे पकड़ पाते हैं। एक ही लड़का ही था, उनके हस्बैंड थे, एक्टिवा पे था। एक्टिवा ब्लैक कलर की नहीं थी, एक्टिवा ब्लैक कलर की नहीं थी। मेरी बेटी ने सूचना दी थी वालिया जी को, और उसी टाइम वालिया 5 मिनट में आ गए थे वालिया जी को। आरती, उनका नाम क्या है मैडम? राजकुमारी जी। तो सब हम मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे, तो फिर इन्हें देखा, मेरी गुड़िया जा रही थी, तो उन्होंने पास वाली ने मना किया कि आप मत जाओ जी। तो वो नहीं गई, हम चले गए अंदर में। तो इतनी में थोड़ी देर में ये चला गया गाड़ी लेके, गाड़ी लेके गया। फिर थोड़ी देर उसने पास वाली ने बोला अपन चले क्या, पूछ के आए देखे क्या हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है अपन चलते हैं। तो हमने गए, हम जा ही रहे थे, तो उसको माली ने मना कर दिया, माली ने मना कर दिया, तो हम नहीं गए। तो हम अंदर ही बैठे, तो मेरी बहू बोली मम्मी लगता है बोरी में कुछ ये लेके जा रहा है। तो मैंने क्या लेके जा रहा है, बोली लग रही लाश है, लाश है। तो मैंने पागल हो गई क्या, ऐसे इतने में क्या कर दिया इसने जो तू लाश बोल रही है। बोले नहीं मम्मी आप बाहर मत निकलो, मेरे को मेरी बहू बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। फिर मैं इनको कन्या का देने गई ना, तो मैंने देखा कि ये बोरी में डाल रहा था, और बोरी में से वो लड़की नीचे गिर गई बाहर। अच्छा। पूरी बाहर नहीं निकली जी, जी, जी। उसके बाल और गर्दन बाहर आ गई जी, जी। फिर इसने ऐसे पकड़ के अंदर ही उसको फिर बंद कर दिया। गाड़ी में ना एक्टिवा पे थे, एक्टिवा पे था। फिर ना उसने ऊपर से बोरी ढक दी इसको, फिर बोरी लेके भाग के निकला। तो कुछ दिन पहले